तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपनी परीक्षाओं के लिए इसको किस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली आज हम यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो देखिएगा, आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहां से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार से पूछा जाने वाला है और आपको अपने पेपर का सोल्यूशन किस प्रकार से और कैसे पूरा कम्प्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिएगा, सही विकल्प का चयन आपको कैसे करना है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्रव्यूह उपस्थिति हो सकता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा घनत्व जे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए की दिशा है। तो देखिएगा, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, एक दूसरे के समांतर होते हैं, ये इसका राइट आंसर ये होगा, प्रेरक तत्व का मात्रक है। तो देखिएगा, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हेनरी, यहाँ से देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, किसी लेंस की क्षमता कौन से रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है। तो देखिएगा, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना बी नंबर का, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 150 बी विभवांतर के त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध तरंग देर की देरी होगी। तो देखो, पाँच नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा ए नंबर का। और उसके बाद में छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर भी आपका ए आ जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, सातवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, ये वाला, पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तथा इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर दो में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहले नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड एक पदार्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सोडियम क्लोराइड एक कैसा पदार्थ है। तो देखो, इसमें आपका आ जाएगा विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख देना ओम, प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा आपको, यहाँ पर आपको लिख देना है अवतल लेंस की भांति ये करता है। तो यहाँ पर आपको अवतल लिख देना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, तीव्र की दो प्रकाश तरंगों का किसी बिंदु पंतांतर 3 एम्पियर है, इस विद्युत का परिणाम प्रति तीव्रता होगा। तो देखो, आपका जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, यहाँ पर आपको ये लिख देना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा और इस प्रकार से आपको लिख देना 4, इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपको लिख देना आकृति। तो देखो क्या लिखा, ये आवृत्ति है, सॉरी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। तो देखो, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, यहाँ पर आपको लिख लेना थॉमसन एवं ब्रदरफोर्ड दोनों परमाणु मॉडल, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गेट को व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं। सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आपको लिख देना है NOT, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर आपको देने हैं। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर आपको कैसे देने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1/2। और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना LS² इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी एसी परिपथ में धारा का RMS मान 10A है, शिखर धारा कितनी होगी।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10√2। इसका राइट आंसर होगा 10√2 एम्पियर, इस प्रकार से लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक्स किरणों, प्रकाश तथा रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होगा। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, इसका राइट आंसर आ जाएगा वेग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में दोनों स्लिप्ट के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज पर क्या प्रभाव होगा। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर लिख देना वेग। इसका राइट आंसर क्या आएगा, वेग। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण के लिए डी बोगली तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा। देखो पाँच नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर जो चौथा था ना, चौथे का तो आपका जाएगा फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, इसका राइट आंसर ये होगा। और पाँचवे का जो राइट आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवे में आपको लिख देना इलेक्ट्रॉन। क्या राइट आंसर आएगा इसका, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, थोरियम नाभिक का प्रतीक है, इसके नाभिक के कितने न्यूट्रॉन हैं। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर आपको लिख देना है 144 न्यूट्रॉन। क्या लिखोगे यहाँ पर, 144 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ए एन डी गेट के लिए बुलियक व्यंजन लिखिए। तो देखिएगा आपका जो सातवें नंबर का क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर आपको इस प्रकार से, ये इसका राइट आंसर आएगा ए बी, इसका राइट आंसर होगा ये, इस प्रकार से लिख ले आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चार में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, जोड़ी मिलान में आपकी पहले नंबर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा डी नंबर से, और आपेक्षिक चुंबकशीलता दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना ए से, और चुंबकीय प्लस तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा बी से, और उसके अलावा चुंबकीय तीव्रता तो देखिएगा इसकी जोड़ का मिलान आपका हो जाएगा ई नंबर से, जो कि ये लिखा है। और उसके अलावा देखो नीचे जो लिखा अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग, तो देखिएगा इसकी जोड़ का मिलान आपको कर देना डी से, और उसके अलावा आवृत्त किरणें, देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसकी जोड़ का मिलान आपको इससे कर लेना है। गामा किरणें, तो देखो इसकी जोड़ का मिलान आपको किससे करना है आप लोग देख लीजिएगा अच्छे प्रकार से, देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा पहले नंबर की जोड़ का मिलान तो आपका थोड़ा सा आप लोग देख लें इसको, तो देखो इसका पहले नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, इसका मिलान होगा सॉरी सी से, और उसके अलावा दूसरे नंबर की जोड़ का मिलान होगा आपका बी से, और उसके अलावा तीसरे नंबर की जोड़ का मिलान आपका हो जाएगा डी से। तो ऐसे आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों ने अच्छे प्रकार से समझ लिए होंगे, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।